साथियों, सरकार का पूरा प्रयास है कि आप सभी जहां भी रहे सुखी रहे और सुरक्षित रहे। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई है। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ महीने पहले ही एक नया कदम भी उठाया गया है। दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे आप सभी के लिए पासपोर्ट सेवा से जुड़ा एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हो जाएगा। बल्कि अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जारी करने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, पासपोर्ट के साथ साथ वीजा से जुड़े नियमों को भी सरल किया जा रहा है। ई वीजा की सुविधा मिलने से आपके समय की बचत भी हो रही है और परेशानियां भी कम हुई है। अभी भी अगर कोई समस्या इसमें है तो उसके सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप में से अनेक इस बात से भी परिचित होंगे कि हमारी सरकार ने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है।